Today in this lecture we will talk about types of acid base titration. Basically acid base titration को चार types में divide किया गया है, वो उनकी base पे ही है, यानी कि अगर आप strong acid का strong base के साथ titration करते हैं ये एक type बना दी उन्होंने, अगर strong acid का weak base के साथ, अगर weak acid का strong base के साथ, या फिर weak acid weak base के साथ आप titration करते हैं। ये चार तरह के types हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम कॉमनली लैब के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक लेवल के लिहाज से अगर देखा जाए, बेशक वो एफएससी लेवल हो या फिर आपका मास्टर लेवल हो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स, क्योंकि ये टाइप्स ऐसी हैं जो कि आप बेसिक लेवल पे भी करते हैं, मैट्रिक लेवल पे भी करते हैं, प्रैक्टिकल्स में एफएससी लेवल में भी प्रैक्टिकल्स में करते हैं, जहां पे हम एसिड बेस टाइट्रेशन कार्यक्रम बेसिस की कंसेंट्रेशन मालूम कर रहे होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन की टाइप्स देखने लगे हैं। इसकी बेसिकली फोर टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये पहली टाइप है इसकी। सेकंड टाइप की अगर बात की जाए वो है हमारे पास टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। थर्ड टाइप की अगर बात की जाए वो है हमारे पास टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। इसके बाद लास्ट वाली टाइप है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये चार टाइप्स है हमारे पास टाइट्रेशन की स्ट्रॉन्ग बेस, जो कॉमनली हम डिस्कस करते हैं इस बेस टाइट्रेशन। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ उसे पहले टाइप को डिस्कस करना है, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसको हर लिहाज से हम एक्सप्लेन कर लेंगे, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है? ऐसे एसिड और बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, दोज एसिड्स एंड बेसिस विच कंप्लीटली आयोनाइज, दैट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस। Those acid, ऐसे acid which completely ionize, those acid or bases which completely ionize, ऐसे acid और base जो कि मुकम्मल तौर पर ionize, completely ionized is known as strong acid and strong base। अगर एग्जाम्पल लो ना, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बहुत सारे एग्जाम्पल हम कॉमन लाइफ में तो नहीं कह सकते, ये लैब के अंदर कॉमनली मिल जाते हैं ये वाले एसिड। जैसे मैं कहता हूँ नाइट्रिक एसिड कॉमनली मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमनली मिल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये चंद एक एसिड है जो कि हर एक लैब के अंदर कॉमनली पड़े होते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर एग्जाम्पल देखी जाए स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो हमारे पास ये वाली है चंद एक स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये वो एसिड है जब इनको पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। मसलन मैं कहता हूं मैं HCl को पानी के अंदर अगर डिजोल्व करूंगा ना, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होके H पॉजिटिव आयन
और साथ में सीएल नेगेटिव आयन बना देगा। अब इसको इस तरह भी आयनाइजेशन लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीका होता है, आप इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल लगाएं, इस तरह भी आयनाइजेशन आप लिख सकते हैं। ये दोनों तरीका का बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में कोई भी गलती नहीं है। आप H3O पॉजिटिव लिख दें, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और साथ में एक बेस बन जाएगा, ये कन्वर्ट बेस। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी चीज हो सकती है जो कम्प्लीटली आयोनाइज, 100% आयोनाइजेशन। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग बेस की कौन कौन सी एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात की जाए, सबसे कॉमन जो हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH, मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड, ये चार एक बेसिस ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। मतलब क्या है कि जब इसको मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, हमारे पास OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बेस कह रहे होते हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये बात तो पता चलेगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। अब बात आ जाती है कि आपने अगर टाइट्रेशन करनी है तो आप किस तरह परफॉर्म करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, आप किस तरह पता चले कहां पे एंड पॉइंट आया, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन करने के लिए मैं कहता हूं सपोज किया आपको ना एग्जामिनर ने एसिड उठा के दे दिया, वो कहते इसकी टाइट्रेशन करके दे, यानी कि मुझे इसकी कंसेंट्रेशन मालूम करके दे, आप क्या करेंगे उस एसिड की कंसेंट्रेशन मालूम करने के लिए। कहना कुछ भी नहीं, आपने सिंपल काम करना है, उसमें से सिर्फ 10 ml जो भी वॉल्यूम लेंगे, बेशक 5 ml ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, जो हम कॉमन लेते हैं वो 10 ml होता है, आपने 10 ml सॉल्यूशन लेना है, वहां से सॉल्यूशन लेके आपने यहां पे डाल देना, इतना 10 ml, और ये 10 ml होगा हमारे पास एसिड का सॉल्यूशन। ये बात माइंड में रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर अगर बेस का भी कर लेंगे यहां पे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेन बात है प्रोसीजर आपको पता चले। अब देखें, अगर एग्जामिनर हमें एसिड दे रहा है तो हमें टाइट्रेशन के लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए, जिसकी मदद से हम किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करें, यानी हम बेस चाहिए एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो यहां पे आपने बेस का सॉल्यूशन ले लिया, और बेस का सॉल्यूशन हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि हमें इसकी कंसंट्रेशन पता होगी। अब पीएच के हवाले से ना मैं दो तीन बातें एक्सप्लेन कर दूं कि पीएच होती क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होगी, वीक एसिड के लिए क्या होगी। अब पीएच के लिए चंद एक बातें नोट कर लीजिएगा, अगर आप पीएच हो किसी भी चीज की, यहां पे इस तरह कर लेते हैं, पीएच के चंद एक वैल्यूज को यहां पे एक्सप्लेन करने लगा हूं। अगर पीएच है किसी भी चीज की 1, 2 या 3, इसके अलावा 4, 5 या 6, 7, 8, 9 या फिर 10, 11, 12 और 13, 10, 11, 12, 13, 14। अच्छा, हमारे पास ये चंद एक पीएच है से जो कॉमनली 0 से लेके, यहां पे 0 भी आ सकते हैं, 0 से लेके 14 तक हो सकती है, या 1 से 14 तक, सही है। अब ये चार मैंने कैटेगरीज बना दी हैं पीएच के हवाले से, ये क्यों बनाई है, ताकि आपको पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या पीएच होती है, वीक एसिड के लिए क्या पीएच होती है। अगर तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी पीएच ये वाली होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपके पास है वीक एसिड तो उसके लिए पीएच ये वाली होगी, 4, 5 और 6 के दरम्यान में। अगर आपके पास वो चीज है न्यूट्रल तो पीएच होगी 7। अगर वो चीज आपके पास बेसिक है या फिर वीक बेस कह सकते हैं, अगर वो चीज आपका वीक बेस है तो उसके लिए पीएच 8, 9, 10, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी पीएच में भी 11, 12 और 13 या 14 हो सकती है। इस बात को आपने जहन में रखना है कि पीएच किस किस रेंज में, किस किस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रल रेंज की होती है।
अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं जो हम बेसिक काम करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ सपोज किया टाइट्रेशन करना चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मुझे एक एसिड लेना पड़ेगा एक बेस लेना पड़ेगा। अब मैंने 10 ml लेके एसिड यहाँ पे ले लिया, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे जो एसिड एग्जामिनर ने मुझे दिया है वो है HCl। अब मुझे HCl की कंसेंट्रेशन मालूम करके, अब आपने करना क्या है, आपने 10 ml एसिड ले लिया, 10 ml एसिड लेने के बाद उसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना है, इसमें फिनोफ्थालीन एज ए इंडिकेटर यूज करेगा, फिनोफ्थालीन को एज अ इंडिकेटर यूज करेंगे, वो कलर चेंज शो करता है, कलर चेंज शो करेगा हमें पता चल जाएगा एंड पॉइंट कहां गया है। अब आपने करना क्या है कि कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेस का ले रही है, ले लेना है, किसी भी बेस का ले सकते हैं। मैं यहां पे सपोज करता हूं यहां जो सॉल्यूशन लिया है वो NaOH का। अब आपको इतना पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी पीएच 12, 13 या 14 के करीब करीब होगी, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी पीएच 1, 2 या 3 के करीब करीब होगी, यानी इनकी वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे थोड़ा सा रेज कर देते हैं ये वाली चीज। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि पहले नंबर पे आपने एसिड ले ली, यहां पे पहले नंबर पे आपने इसकी पीएच मालूम कर लेनी है, पहले सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ इस एसिड की पीएच मालूम करनी है, सही है। अब यहां पे ग्राफ की मदद से सारे का सारा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, यह हम वैल्यूज लिख लूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक की आपने लिखनी है। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इसका जो असल में ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा सा नीचे रखना है इसको, 13 तक की रख लीजिएगा। अब यहां पे एक पॉइंट इसके आपने यहां पे लगाना है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट बिल्कुल 7 के करीब, और एक पॉइंट आपने यहां पे लगा, यहां पे लगा सकते हैं, 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 वो आपकी मर्जी है, जहां मर्जी लगा लें। 4 पॉइंट लगाने, एक बिल्कुल 7 के ऑपोजिट साइड में, सही है, एक बिल्कुल जहां से टाइट्रेशन स्टार्ट हो रही है, एक टाइट्रेशन के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करके, और एक 7 के बाद, बेशक यहां पर लगा दे, यहां पे, यहां यहां पे। अब ये जो टाइट्रेशन कर्व है मैंने इस लिहाज से बनाया, ये बात याद रखिएगा, एसिड मैंने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है, अब यहां पर मैंने ले लिया पीएच, पीएच यहां पे वॉल्यूम लिया हुआ है, किस चीज का वॉल्यूम लिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट, टाइट्रेट मैंने यहां पे यूज किया हुआ है बेस, या फिर यहां मैं बेस भी लिख देता हूं बेस। अब ये 4 तरह के पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर पॉइंट। मैं सबसे पहले पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने लगा हूं, पहले पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने सिर्फ उसे पहले पॉइंट पे पीएच चेक करनी है, पीएच है यहां पे तकरीबन 2 या 1.5 या 2 है, इससे आपको एक चीज पता चल गई होगी कि यहां पे जो सॉल्यूशन था ये मैंने इस सॉल्यूशन की पीएच मालूम की है, ये जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क में होगा, या मैं क्या करता हूँ पीएच मीटर लेके उसके रोड दो यहां पे डिप कर दूंगा, डिप करने को मुझे इजिली पीएच पता चलती रहेगी कि किस वक्त कितनी पीएच थी, क्योंकि इस वक्त तक शुरू में बिल्कुल जब टाइट्रेशन स्टार्ट करने लगे थे मैंने सिर्फ और सिर्फ एसिड लिया था, इसलिए इसकी पीएच हमारे पास 1, 2 के दरमियान में आ रही, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहां पे क्या था, ओनली एसिड इज अवेलेबल, ओनली एसिड इज अवेलेबल, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एसिड मौजूद है, एसिड मौजूद है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो HCl हमने सपोज किया हुआ है, HCl है
ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और हमारे पास एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव आयन बना देगा। या फिर इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, एच सी एल क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना देता है और साथ में सी एल नेगेटिव बना देता है। इसी वजह से हमारे पास की एसिड आयोनाइज हो जाता है पी एच 1 से 2 के दरमियान। ये पहला पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया हमने, ये पहला पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आ जाते सेकंड पॉइंट। अब मैंने किया क्या है कि यहां से स्टॉपर को ओपन किया, स्टॉपर को ओपन करने से ऊपर से बेस आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, बेस के ड्रॉप है। अगर मैं बेस वर्ड यूज करता हूं, बेस का मतलब है यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होगा तो हमारे पास एक सोडियम आयन बनेगा, दूसरा हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि सेकंड पॉइंट में आपने देखा यहां पे पीएच बढ़ गई है, यहां पीएच इतनी आ रही थी, अब यहां पे पीएच हमारे पास 3 से भी बढ़ गई है, इतनी पीएच आनी स्टार्ट हो गई। अब ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है, इस चीज को भी हम लिख लेते हैं यहां पे पॉइंट नंबर सेकंड, किस चीज को एक्सप्लेन करेगा। इस पॉइंट पर हमने किया क्या था कि स्टॉप को ओपन किया है ब्यूरेट का और बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कॉनिकल फ्लास्क में जाना शुरू हो गया, यानी एसिड के अंदर हमने ऐड करना शुरू कर दिया। नाउ स्टॉपर इज ओपन, या ओपन द स्टॉपर, ये इसी तरह लिखना है, ओपन द स्टॉपर। आपने स्टॉपर को ओपन करना है एंड बेस इज एडेड, बेस इज एडेड इन टू द सॉल्यूशन। ओह, अब आपने क्या किया, स्टॉपर को ओपन किया है और इसको आपने ऐड कर दिया है, एडेड इन टू द सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड पीएच इज इंक्रीज्ड। अच्छा, एक बात सोचने वाली है यहां पे कि पीएच क्यों इंक्रीज हुई है। पीएच इसलिए इंक्रीज हुई है, आपको पता है कि हम ऊपर से बेस डाल रहे हैं, बेस की पीएच होती है 11, 12, 13, 14। अब जैसे ही बेस डालते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद कुछ एसिड को यूज कर लेता है। जब कुछ एसिड आपका यूज हो जाएगा और यूज होने की वजह से उसकी पीएच इंक्रीज हो जाता है। अब इसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर स्पीड। ये क्या पॉइंट है, ये हमारे पास आ जाता है इक्वलेंस पॉइंट। इक्वलेंस पॉइंट भी कह सकते हैं या फिर इसको हम एंड पॉइंट भी कह सकते हैं, एंड पॉइंट। अब इस पॉइंट पर हुआ क्या, देखिए बिल्कुल सेवन के ऑपोजिट है, यानी कि यहां पे सॉल्यूशन, ये जो नीचे वाला सॉल्यूशन होगा ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने का मतलब ये एसिड की कंसंट्रेशन बेस की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट द कंसंट्रेशन, इस पॉइंट पर जो मिकदार है द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज इक्वल टू ईच अदर, ईच अदर। मतलब क्या है कि यहां पे एच थ्री ओ पॉजिटिव बराबर हो जाते हैं ओ एच नेगेटिव के, या फिर इसके लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं, यहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाता है। या क्या हो जाता है, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अकर, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इज अकर, या मुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। मुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या, हमने यहां पे क्या डाला था, HCl और साथ में ऊपर से बेस डाल रहे हैं, ऊपर से बेस डाल रहे हैं, सही है, हमारे पास ये वाला रिएक्शन होगा
NaCl और साथ में H2O बन जाएगा। ये हमारे पास है पॉइंट नंबर 3 की सारी हिस्ट्री। पॉइंट नंबर 3 पे क्या हुआ, ये टाइट्रेशन कर्व है, ये सारे के सारे लाइन टाइट्रेशन कर्व को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट ये हुआ। अब आपको पता है यहाँ पे जितना भी एसिड था वो यूज हो चुका है, किस चीज के साथ, बेस के साथ। उन दोनों ने मिले, मिलने के बाद हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, साल्ट और वाटर बना। साल्ट और वाटर बनने के बाद बाकी ऊपर से हम बेस डालेंगे, उसकी पीएच ऐसा ऐसा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और इसी वजह से मैंने ये वाला पॉइंट बेशक यहाँ पे लगा ले, यहाँ पे लगा ले, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाता है, पीएच इंक्रीज होना शुरू हो जाती है क्योंकि हम ऊपर से बेस डाले जा रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 4 इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट नंबर 4 क्या कर रहा है, इफ वी एडेड मोर बेस, अगर हम मजीद बेस डाले, मोर बेस का मतलब क्या है, OH नेगेटिव आयन, देन पीएच इज इंक्रीज, तो फिर पीएच क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब पीएच बढ़ेगी इंक्रीज्ड फ्रॉम इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट, बिकॉज ये क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहां पे बेस, बिकॉज बेस आयोनाइज, तो यहाँ पे बेस आयोनाइज होना शुरू हो जाता है। मतलब मेरे पास NaOH है, ये क्या करना शुरू हो जाता है, आयोनाइज होगा। आयोनाइज होने के बाद हमारे पास ये वाली दो चीजें बनने शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 4 की सारी स्टोरी है। सही हो गया। अब टाइट्रेशन करने के लिए आपने मेनली इस पॉइंट तक जाना है। जाने के बाद आप यहां से स्टॉपर को ऑफ करेंगे, मतलब आपने ऊपर से बेस डालना शुरू किया, नीचे का आना शुरू हो जाएगा, कलर चेंज आएगा। जैसे कलर चेंज होना शुरू हो जाए, आपने इसको स्टॉपर को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे और कंसेंट्रेशन को मालूम कर लेना है। वह M1V1/N1=M2V2/N2, ये है वो फॉर्मूला जो कि आपने यूज करते हुए किसी भी इससे लिए बेस की कंसेंट्रेशन जो कि अननोन है मालूम कर लें। यही था आज के लेक्चर में कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की टाइप्स क्या, कौन कौन सी हैं, और जो टाइप आज हमने डिस्कस किया है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और इसकी पीएच का जहन में रखिएगा, ये आपको काफी ज्यादा फायदा देने वाली है। आज के लेक्चर में इतना ही, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।